चीन में खारे पानी की झील, जिसे देश के मृत सागर के रूप में भी जाना जाता है, एक तरफ से गुलाबी रंग और दूसरी तरफ से हरी रंग की हो गई है। झील का ये रंग अब देश विदेश के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन रहा है। चीन के शांक्षी प्रांत में मौजूद इस झील का नाम येनचंज सॉल्ट लेक है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक डनालिएला सलाइना नामक काई की वजह से झील एक तरफ से हरी और दूसरे किनारे पर गुलाबी नजर आ रही है। उत्तरी चीन के युनचंज में मौजूद ये झील दुनिया के उन तीन खारे पानी की झीलों में शामिल है जिसमें सोडियम सल्फेट हो। ये झील 132 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली है। झील की खासियत है कि इसके दो रंग कई सालों तक दिखते रहते हैं। सिर्फ सर्दी में ये झील सूख जाती है। ये झील बीते साल भी चर्चा में आ गई थी क्योंकि इसी तरह की काई की वजह से इसका रंग खूनी लाल हो गया था। भूवैज्ञानिकों के मुताबिक ये झील तकरीबन 5 करोड़ साल पुरानी है। इस झील का खारा पानी ठीक वैसा ही है जैसा मृत सागर का, इसलिए इसे चीन का मृत सागर कहा जाता है। हालांकि चीनी लोगों ने इसका इस्तेमाल कुछ 4000 साल पहले करना शुरू किया था। टीम इंडिलिंक्स।